हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी बजे 7:30। आज है मंडे। आरवीर को होपफुली आज मैं स्कूल भेज पाऊँगी। पिछले एक हफ्ते से वो स्कूल नहीं गया, उसकी तबीयत खराब थी, मेरी तबीयत खराब थी। सो आई एम होप कल से काफ़ी बेटर है आरवीर। मैं भी आज सुबह उठी तो मेरी नोज ओपन है, विच इज़ लाइक ओ माई गॉड। भी कल रात तक तो नहीं थी, लाइक कल रात तक मेरी तबीयत खराब थी। सुबह उठी तो एकदम से नोज बिल्कुल क्लियर। आई एम लाइक ओके, तो आई एम लाइक वेरी हैप्पी। मैं होप करती हूँ कि ये पूरा दिन मेरी नोज़ ब्लॉक ना हो, क्लियर ही रहे। आई फील प्रिटी नॉर्मल, बट प्यास लग रही हूँ, पानी पीते हूँ। तो या 7:30 हो रहा है। आरवी का टिफिन विफिन तैयार करती हूँ, और उसके टिफिन में पैनकेक्स भेजते हैं। स्कूल से ना मेन्यू आता है, हमें उस मेन्यू के हिसाब से टिफिन बनाना होता है। तो आज मेन्यू में पैनकेक्स है, तो जल्दी से उसके पैनकेक्स बनाते हैं। अभी सो रहे हैं, अभी सब सो रहे हैं, कोई भी नहीं उठा हुआ। मैं उठ गई, पता नहीं मैं उठ गई, मुझे वापस नींद ही नहीं आई थी। चलो टिफिन बनाते हैं। जनरली हम 8 o'clock के आसपास उठते हैं, तो लाइक चलो आधे घंटे में क्या हो जाएगा। मैंने अपने चैनल पे पैनकेक की रेसिपी डाली थी, एंड आप लोगों में से बहुत लोगों ने बोला था कि आप होममेड पैनकेक्स क्यों नहीं बनाते हो। बेसिकली मैं पहले होममेड पैनकेक्स बहुत ज़्यादा बनाती थी, एंड इट जस्ट क्योंकि वो ओट्स बनाना पैनकेक बनाती थी, एंड आई वी जस्ट गॉट सो यूज टू इट कि वो अब वो उतने मन से नहीं खाता है। एंड आई जस्ट फेल्ट कि थोड़ा चेंज करते हैं। देन आई फाउंड दिस कंपनी कॉल्ड स्लर्प फार्म। इनके जो पैनकेक्स हैं, देर आर नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स एंड हैव नो प्रेजर्वेटिव। और ये जो कंपनी है, ये बेसिकली दो मदर्स की है। तो यूजुअली जब प्रोडक्ट्स में ऐसे लिखा होता है नो प्रेजर्वेटिव दिस एंड दैट, तो यूजुअली कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। बट आई ट्रस्ट दिस कंपनी क्योंकि ये दो मदर्स ने मिल के बनाई है, एंड ऑब्वियसली एक मदर अपने बच्चे के हिसाब से चीज़ें बनाती है। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ गुड। इसमें ओट्स अमरनाथ फॉक्सटेल है, एंड मेरे ओट्स बनाना पैनकेक्स आई फेल्ट दिस लुक्स मच मच मोर हेल्दियर। इसमें पाउडर बनाना एंड चॉको चिप्स है, चॉको चिप्स बहुत कम है, सो इट्स नॉट इवन लाइक कि बहुत मीठा है और वट एवर। सो इट्स नॉट लाइक बैड वेट। इन्ग्रीडियंट लिस्ट, ये इन्ग्रीडियंट लिस्ट। इन्ग्रीडियंट्स में आपके हैं ओट्स, फॉक्सटेल मिलेट, ज्वार, जैगरी, शुगर, चॉको चिप, बनाना पाउडर, वनीला एंड बेकिंग पाउडर। तो इसलिए आई फेल्ट दैट दिस वाज मोर हेल्दियर देन एनीथिंग जो मैं घर पे करूँगी। इसमें मैं ये मिक्स करती हूँ, विच इज़ अ ब्रेडी क्रॉकर्स पैनकेक मिक्स। ये मुझे पता है लाइक ऐसे 100% हेल्दी नहीं है, दिस हैज़ मैदा एंड ऑयल। बट द थिंग इज़, ये इंडिविजुअली अकेले बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी नहीं बनता है, तो इसलिए मैं ये वाला मिक्स करती हूँ टू मेक इट अ लिटिल मोर फ्लफ़ी। मुझे होम इंग्रेडिएंट कोई समझ में नहीं आया जो मैं इसके साथ मिक्स कर सकूं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ओट्स एंड बनाना एंड ऑल है। मैं एग भी डालती हूं, बट आई जस्ट फील टू मेक इट नाइस एंड फ्लफी एंड लाइक एडिबल अच्छे से। दिस कॉम्बिनेशन वर्क्स लाइक 50% दिस, 50% दिस। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है, मेरी सिस्टर इन लॉ लेके आई आरवीर के लिए, फ्लिप फ्लैप पेट्स। इसमें लाइक पेट्स के बारे में एंड फोटोज है, बट यू कैन फ्लिप लाइक द बॉटम्स टुगेदर, लाइक डिफरेंटली टुगेदर नहीं, तो लाइक ऐसे फनी एनिमल्स बन जाते हैं, तो इट्स काइंड ऑफ फन। तो आरवीर अपने आप खड़े खड़े भी लाइक ऐसे फ्लिप करता रहता है, मैच करने की कोशिश। और आपको अच्छी लगती है ना? आप में से बहुत लोगों ने मेरे से पूछा है कि टूट है, आपको कुछ बताना है? बता दो, मैं बहुत दिनों बाद स्कूल जाऊंगा। आपकी तबीयत ठीक है? तबीयत ठीक नहीं है अभी। आप में से बहुत लोगों ने मेरे से पूछा है कि 2 to 3 year old या 3 year old के लिए कोई अच्छे गिफ्ट ऑप्शंस बताओ। तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टॉयज एंड बुक्स एंड गेम्स बताऊंगी जो फॉर दिस एज ग्रुप 2 to 3 या 3 years plus के लिए बहुत अच्छे गेम्स हैं दैट यू कैन गिफ्ट, या अगर आपका खुद का बच्चा है तो आप उसके लिए ले सकते हो। तो अभी नहीं, पहले आरवी का स्कूल छोड़ के आते हैं, फिर आई थिंक लंच के बाद मैं आपको ये बताती हूँ। स्कूल जाने से पहले आरवी 1 game खेलता है, फिर हम ब्रेकफास्ट करते हैं,
ये हम नहाते हैं, ये इसमें जाता है, ये इसमें जाता है, राइट, नाइस। और ये इसका डैड है, इसका डैड है, ये भी उसमें, ये भी उसमें आएगा। ओके, ये अब आ गया और उसकी मम लग, उसकी मम लग आएंगे। कौन है मम? मम्मी है। ओके बाय, दादू को भी करके आओ, पापा को भी बोल के आओ, जल्दी से बोल दो बाय। नहीं मैं नहीं जा रही, मैं यही हूँ, मम्मा नहीं जा रही है, बाय करके आओ। नहीं तेज बोल दो, सब बाथरूम में जोर से बोल दो, अच्छा एंजॉय योर टिफिन, एंजॉय योर स्कूल, सो थैंक यू, थैंक यू, अच्छा बैग किसने डाला मम्मा सीट पे? हेलो, आई वीर को जा रही हूँ अभी पिक करने, अभी हो रहा है 12:18, ओ लेट हो गई, आज बहुत ट्रैफिक है, पता नहीं क्या हो रहा है। कौन सा बेबी आ गया स्कूल से? कौन सा बेबी आ गया? आपको मजा आया इतने दिनों बाद स्कूल जाके? नहीं आया मज़ा? कब के सारे फ्रेंड्स मिले? आपने गिटार बजाया था आज? वाओ, आईवी को मजा आया स्कूल जाके इतने दिनों बाद? यस, सारे फ्रेंड्स मिले? हैप्पी डे है। आपने न्यू शूज दिखाए अपने फ्रेंड्स को? हाँ, न्यू शूज दिखाए अपने फ्रेंड्स को? दिखाए, हैप्पी डे है। हाँ, मैं तो लाल क्यों रही हूँ? आईवी वापस आ गया है स्कूल से, अभी हम बस रेड लाइट पे। हैप्पी हो गया आरिवीर? क्या कर रहे हो आप शूज के साथ? मेरी सिस्टर ने लाए शूज, लाए बड़े क्यूल हैं, क्यूल क्यूल कह रहे हो, क्यूट एंड कूल को कंबाइन कर दिया मैंने, कूल है ना। आप बर्ड बॉक्स चैलेंज कर रहे हो? आई फिर आइस क्लोज करके चल रहे हो? आइस क्लोज करके क्यों चल रहे हो? इधर देखो, क्यों आइस क्लोज करके क्यों चल रहे हो? आपको बर्ड बॉक्स चैलेंज करना है, अभी भी क्लोज है, देखो इधर आओ। अच्छा, आप सीधे सीधे आओ मम्मा पास, आइस क्लोज, सीधे सीधे मम्मा पकड़ लेगी, आ जाओ। अच्छा बाद में तो बता, आ जाओ, वीडियो देख लिया, ये आइस क्लोज करके चल रहा है। हेलो, लंच में बना रही हूँ अरहर की दाल, दाल बस वॉश कर लिए, उसमें टमाटर डाल दिया, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच नमक, बहुत थोड़ी सी मिर्च, बस इसको एक दो विसल के पकाऊंगी और फिर जीरा का तड़का। ध्यान से, अभी बहुत तेज बादल गरजने की आवाज आई थी, बाहर देखती मौसम क्या रहा, बारिश तो नहीं लग रही, वो स्टार्ट हो गई बारिश, बहुत सॉलिड बादल गरजने की आवाज आई थी, हो गई बारिश हो रही है। बिट्टू कैमरे में शायद ना देखे क्योंकि जस्ट अभी शुरू ही हुई है और सन भी है, रेनबो दिख रहा है यार अभी तो, बट वो बड़ा लाइक वैसे स्काई अच्छा लग रहा है। हाय गाइस, आरिवीर को भी स्कूल छोड़ दिया है पार्किंग में गाड़ी। मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था, बिल्डअप किया था एवरीथिंग, बट अभी तबीयत फिर ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा जुकाम हो रहा है एंड कोल्ड की मेडिसिन आप लोगों को पता ही है, जब लो तो बहुत ज़्यादा नींद आती है, तो इतना मैं ड्राउजी हो रही थी, आई वाज जस्ट टायर्ड एंड लाइक हालत ख़राब है, अभी भी ख़राब है, अभी भी ठीक नहीं हुई। आई एम ट्राइंग अ लॉट ऑफ होम रेमेडीज़, आप लोगों ने बहुत सारी, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत सारी होम रेमेडीज़ मेरे इंस्टाग्राम पे डाली है, सो आई एम ट्राइंग ऑल ऑफ दैट आउट, थैंक यू सो मच, बट अभी भी मेरी तबीयत लाइक ऐसे ठीक नहीं है, नोज ब्लॉक्ड है विच इज़ इरीटेटिंग, तो इसका मतलब नोज ब्लॉक्ड से क्या होता है कि मैं मुँह से सांस ले रही हूँ, तो इट बिकम्स लाइक अ लिटिल डिफिकल्ट टू टॉक या कुछ भी करने में, क्योंकि यार आप लाइक मुंह से बोल भी रहे हो, सांस भी ले रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, इट्स लाइक इट्स टू मच। एनीवेज, मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को टॉयज बताऊंगी विच आर ग्रेट फॉर 2 to 3 इयर्स ओल्ड, तो वो मैं ज़रूर बताऊंगी अभी। आई गोइंग टू टेल यू अबाउट 10 टॉयज जो आई थिंक आर परफेक्ट गिफ्ट्स फॉर 2 to 3 इयर्स ओल्ड। आगे मैं थोड़ा शिफ्ट हो जाती हूँ, यहाँ पे मैं फोटोज डाल दूंगी एंड लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नंबर वन, द फर्स्ट टॉय दैट आई थिंक I absolutely love, RGV absolutely loves, is Melissa and Duck का water wow. उसमें सिंपली क्या है, एक पेन है जिसमें आप पानी डालो और वो पानी से आपको
व्हाइट पेंट के ऊपर आप जब पेंट करोगे तो वो कलर नीचे से अपने आप आ जाएगा. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. आर वी लव्स इट. बेस्ट चीज़ ये है कि वो ट्रैवल साइज है, तो कभी भी आप कहीं लॉन्ग जर्नी पे जा रहे होते हैं या किसी के घर जा रहे होते हैं जहाँ मुझे पता है कि आरवीर की इंटरेस्ट की चीज़ें नहीं है, तो मैं अपने पर्स में डाल लेती हूँ ताकि वो आराम से वहाँ पे खेल सकता है. सेकेंड थिंग अगेन इज अनदर मलिसा एंड डक का टॉय विच वी लव. इट इज़ अ स्टिकर गेम, मेक फेसेस. उस पर बेसिकली आपको आईज बनानी है, लिप्स बनाने, नोज बनाने, लाइक स्टिकर्स चिपकाने हैं. उसमें फेस बना हुआ है, बट यू जस्ट हैव टू स्टिक स्टिकर्स ऑफ आईज एंड माउथ एंड नोज एंड ईयर रिंग्स एक्सेट्रा. अगेन दिस इज अनदर गेम दैट आई रिवील लव्स. एंड ये हैंड आई कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत अच्छा गेम है, बिकॉज ऑब्वियसली आपको एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आए रखना है. सो बहुत अमेजिंग गेम लगता है मुझे ये वाला. थर्ड इज अनदर मलिसा एंड डक. अब तक आप समझ गए मुझे मलिसा एंड डक के टॉयज बहुत ज़्यादा पसंद है. इज अनदर मलिसा एंड डक विच इज अ स्क्रैच आर्ट. जैसे वो होता है ना स्क्रैच वाले कूपन्स, उस टाइप का है वो. एक्सेप्ट उसका स्क्रैच करो तो नीचे से एक कलरफुल ड्रॉइंग निकलती है, कलरफुल पेंटिंग निकलती है, विच ऑब्वियसली किड्स लव. नाउ फोर्थ इज, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि एक फैमिली गेम है. आई एम नॉट श्योर अगर 2 ईयर ओल्ड खेल सकते हैं नहीं, बट 2.5-3 ईयर ओल्ड के लिए डेफिनेटली इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट चॉइस. इज गो फिशिंग. उसमें आपके पास एक फिशिंग रॉड होंगी, प्लास्टिक फिशेज होंगी जो ऊपर नीचे करती है, एंड यू जस्ट हैव टू लाइक फिश देम आउट. बहुत अमेजिंग है. अगेन हैंड आई कोऑर्डिनेशन के लिए, ग्रॉस मोटर स्किल्स के लिए एंड फन के लिए एंड फैमिली के साथ खेलने के लिए. क्योंकि 3 ईयर ओल्ड, इवन इफ आप प्ले डेट से डॉल कराओ, बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ खेलना नहीं आता. दे डोंट नो हाउ टू प्ले विद अनदर पर्सन. तो आई फील इस टाइप का गेम आपको लाइक टीम वर्क एंड दूसरों के साथ खेलना ये सब सिखाता है, विच आई थिंक इज ग्रेट. द फिफ्थ टॉय दैट वी एब्सोल्युटली लव इज डेफिनेटली प्लाज्मा कार. आई वी लव्स इट. आपने मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा, इतनी बार चलाता है. इट इज, मतलब ये सारे मैं डिफरेंट प्राइस रेंज की चीज़ें बता रही हूँ, तो इट इज़ लिटिल प्राइसी, बट इट इज़ द बेस्ट. हैमलेस पे मिलती है, बहुत सारी ऑनलाइन अमेजोन पे भी मिलती है, विच आई एम गोइंग टू लिंक. बट इफ़ यू हैव अ हैमलेस नियर यू, आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप हैमलेस से जाके खरीदो, क्योंकि उसकी क्वालिटी थोड़ी बेटर है बाकियों से. नंबर 6 इज फ्लिटो बॉक्स और इट डेलिकेट. दीज आर बोथ सब्सक्रिप्शन बॉक्सेज. हर महीने ये आपको एक बॉक्स फुल ऑफ एक्टिविटीज भेजते हैं दैट यू कैन प्ले विद योर चाइल्ड. एंड आई थिंक ये बेस्ट टॉय है फॉर अ किड, क्योंकि उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है. दे वर्क और डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्किल्स. इट इज़ अमेजिंग. तो अगर आप फिजिकल, काफ़ी लोगों को होता है कि हमें फिजिकल टॉय देना है, बट अगर फिजिकल टॉय भी नहीं, इफ़ यू आर ओके विद इट, और इफ़ यू आर अ मदर वॉचिंग दिस और अपने बच्चे के लिए कुछ रैंडमली खरीदना चाहते हो, तो एक फ्लिटो बॉक्स का एक सब्सक्रिप्शन या एक डेलिकेट का सब्सक्रिप्शन अमेजिंग है. ये दोनों बॉक्सेस, दोनों सब्सक्रिप्शन बॉक्सेस आई हाईली रिकमेंड. मुझे दोनों बहुत अच्छे लगते हैं. फ्लिटो बॉक्स इज मोर, आई वुड से उसमें कंपैरेटिवली थोड़ी कम एक्टिविटीज़ होती है, बट इट इज़ समथिंग दैट विल होल्ड योर चाइल्ड्स इंटरेस्ट. हमने फ्लिटो बॉक्स बहुत, मतलब साल से ज़्यादा भर खेला है, 2 साल तो आराम से खेला ही खेला है. आजकल मैं नहीं मंगवा रही हूँ क्योंकि बहुत टॉयज रखे हैं आरवीर के पास बर्थडे की वजह से. इंटेलिकेट आई फील थोड़ा ज़्यादा पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट है इंटेलिकेट में, तो आपको वो ध्यान रखना है. उसमें एक्टिविटीज़ बहुत सारी है एंड इट इज़ अमेजिंग फॉर योर किड्स डेवलपमेंट, बट उसमें पेरेंट इन्वॉल्वमेंट थोड़ा सा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फ्लिंडो बॉक्स, तो दैट यू कीप इन माइंड. बट दोनों बॉक्स आपके बच्चे के डेवलपमेंट के लिए आर अमेजिंग. नंबर 7 इज अ ट्रेन सेट. आई थिंक 2-3 ईयर ओल्ड के लिए ट्रेन सेट बहुत अमेजिंग गिफ्ट है. इट इज़ समथिंग जो आप भी इन्वॉल्व हो सकते हैं. जब आरवी 2 ईयर्स का था आई थिंक, उसके अराउंड मैंने खरीदा था एंड मैं बनाती थी आरवी के लिए ट्रेन सेट, एंड हम दोनों इन्वॉल्व होकर खेलते थे. एट दिस एज बच्चों को अच्छा लगता है अपने पेरेंट्स के साथ खेलना, तो आपको ऐसी एक्टिविटीज़ भी ढूंढनी है दिन में कि एटलीस्ट 1 गेम इफ़ नॉट मोर. अगर आप वर्किंग हो या आप बिजी हो, वट एवर रीज़न, अगर आप टाइम नहीं दे सकते बच्चे को, तो कम से कम 1 गेम 15 मिनट के लिए अपने बच्चे को फुल अटेंशन दे के आप वो खेलो उसके साथ. सो योर चाइल्ड गेट्स योर अनडिवाइडेड अटेंशन. दैट आई वुड हाईली रिकमेंड. ज़्यादा टाइम दे सको तो वो और भी बेटर है, बट 15 मिनट ज़रूर दो, 1 गेम ज़रूर खेलो. एंड आई थिंक ट्रेन सेट इज़ एन अमेजिंग गेम टू प्ले विद योर चाइल्ड. मैं और आरवीर, हम दोनों को बहुत मज़ा आता है वो खेलने में, एंड उसमें थोड़ी पेरेंट इन्वॉल्वमेंट है, बट अराउंड द एज ऑफ 2.5-3 के आसपास बेसिकली आरवीर अपने आप ट्रेन सेट
स्केट लाइक स्मॉल स्मॉल ट्रैक्स अपने आप बनाने लगा था. तो आई फील इट्स समथिंग जो बच्चा सीख भी सकता है अपने आप करना. दैट इज अगेन अमेजिंग टॉय टू प्ले विद. मैं काउंट भूल गई हूँ, शायद ये एट्थ है, आई डोंट नो. एट्थ इज मैग्ना टाइल्स. ना मैग्ना टाइल्स थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, बट ये मैग्नेटिक टाइल्स होते हैं. ये आर्यवीर के आजकल फेवरेट है. अगर मैं रिसेंट ब्लॉग्स देखो तो ऑलमोस्ट रोज आर्यवीर इससे खेल रहा है. एंड दिस इज समथिंग जो आर्यवीर इंडिविजुअली अपने आप खेल सकता है. मैग्ना टाइल्स का लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. यू डू गेट थोड़े चीपर वर्जन ऑफ दिस, बट आई वुड रिकमेंड गेटिंग द ओरिजिनल वन. मेरे पास दोनों है, एक चीपर वर्जन और एक एक्सपेंसिव वर्जन, दोनों है. आई डेफिनेटली प्रेफर द ओरिजिनल वर्जन. वो ज़्यादा, उसके मैगनेट ज़्यादा बेटर है एंड वो ज़्यादा लाइक खेलने में ज़्यादा मज़ा आता है उससे. द नाइन्थ इज ब्लॉक्स. डू नॉट अंडर एस्टिमेट ब्लॉक्स. ब्लॉक्स डेफिनेटली वन ईयर ओल्ड टॉय ज़्यादा है, बट इवन फॉर अ टू टू थ्री ईयर ओल्ड ब्लॉक्स एंड लेगोज आर अमेजिंग, क्योंकि बच्चों को बिल्ड करने में मज़ा आता है. इट स्पार्क्स देयर इमेजिनेशन. आर्यवीर एक दिन, जनरली जब मैं आर्यवीर के साथ खेलती थी तो मैं हमेशा बिल्डिंग्स बनाती थी, रोबोट्स बना दिए, हाउस बना दिया. एक दिन मैं इधर उधर थी, आई केम बैक, लाइक मैं दूसरे रूम में थी, आर्यवीर ब्लॉक से खेल रहा था. आई केम बैक एंड ही इज लाइक, मॉम देखो रॉकेट. दैट वन डे ही मेड अ फायर ट्रक. मतलब इट लुक्ड एब्सोल्युटली नथिंग लाइक अ फायर ट्रक, बट उसकी इमेजिनेशन के हिसाब से वो फायर ट्रक था. तो आई फील ब्लॉक्स एंड लेगोज आर अमेजिंग फॉर द इमेजिनेशन पार्ट. बच्चों की इमेजिनेशन इतनी ज़्यादा सोर करती है उससे. तो दोज आर द बेस्ट. एंड नंबर 10, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द वन दैट आई लव द मोस्ट आर बुक्स. I cannot recommend books. Like, it is the most amazing gift that you can give to a child. So I would highly, highly recommend books. मैं एक books के ऊपर separate video बनाऊंगी जिसमें I will recommend a lot of books that we love currently. अभी के लिए फिलहाल मैं description box में I think I'll put two links. एक है bundle of books जो Julia, I forgotten her name. They're amazing books. 10 book एक bundle में आती है. And आर्यवीर लव्स देम. जब से हमने खरीदे, आई थिंक 2-3 महीने से ज़्यादा हो चुका है, ही हैज़ रेड दोज बुक एवरी सिंगल डे. एंड नॉट जस्ट वंस, मल्टीपल टाइम्स. मेरे से भी, मेरे मदर इन लॉ से भी, मेरी दादी सास से भी, ही लव्स देम. आई एम गोना पुट देम इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड जो दूसरी बुक दैट आई एम गोना पुट इज, एक बुक थी जब आई दैट आई बॉट व्हेन आर्यवीर वाज अराउंड 2 years old or समथिंग, और वो अभी भी पढ़ता है. एंड इट्स अ बुक दैट इज गोइंग टू लास्ट अस लॉन्ग, क्योंकि जब आर्यवीर खुद पढ़ने लगेगा तो वो भी वही बुक पढ़ेगा. आई एम प्रीटी श्योर लाइक वो आराम से पढ़ सकता है. तो इट्स एन अमेजिंग बुक. एंड अगेन दिस इज समथिंग आई हाईली रिकमेंड. तो ये थे मेरे टॉप 10 थिंग्स टू बाय फॉर अ 2-3 ईयर ओल्ड. और भी बहुत सारी चीज़ें हैं दैट वी लव एंड प्ले. अगर आप मेरे व्लॉग्स फॉलो करते हो तो आपको ऑटोमेटिकली बहुत सारे रिकमेंडेशंस मिलते रहेंगे, क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर मैं लाइक हर व्लॉग में 2-3 रिकमेंडेशंस टॉयज एंड गिफ्ट्स एंड दिस एंड दैट की देती ही रहती हूँ. दिस वॉज जस्ट लाइक अ कंपाइलेशन ऑफ ऑल ऑफ देम टुगेदर. बट अगर आपने मेरे सारे व्लॉग्स देखे तो आप ऑलरेडी देख चुके हो कि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके साथ हम खेलते ही हैं एंड दैट आर्यवीर लव्स. सो आई होप दिस वॉज हेल्पफुल फॉर यू. अगर ये हेल्पफुल था तो बड़ा सा थम्स अप दे दो. और अब मैं आपको बहुत सारे नोटिफिकेशन शाउट आउट्स दूंगी, तो क्योंकि मैंने बहुत टाइम से नहीं दिया है. एंड दिस इज द सेकेंड लास्ट व्लॉग ऑफ फेब्रुअरी, विच अभी करंटली जो मेरी सिचुएशन है, मेरी तबीयत खराब है. आई एम लाइक, आई एम सैड फेब्रुअरी फिनिश हो रहा है, मैं आप लोगों को रोज नहीं मिल पाऊंगी. बट आई एम ऑल्सो हैप्पी बिकॉज आई एम लाइक, मुझे थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा. But we'll be back to our schedules of 3 videos a week, Monday, Wednesday and Friday, from Monday onwards, from March onwards. तब तक हम देते हैं post notification shout outs. अगर आपको no shout out चाहिए हमारे last vlog में, which is tomorrow, then all you have to do is subscribe करो, bell button दबाओ और नीचे लिखो notification squad. That's it. First shout out goes to Amy99. Thank you so much for having your notifications on. Next to Vandana Sahu, then Mummy and Tani, Shikha Nayak. आज के में बहुत सारे shout outs हैं क्योंकि मैंने पिछले 2-3 बार से नहीं किए ढंग से shout outs. Sheetal Mehta, thank you for having your notifications on. Chandre Roy, Roshni S, and one last, okay. I'm sorry, मैंने अभी नोटिस किया मैंने बहुत सारे कमेंट्स के रिप्लाई नहीं किए. आई एम रियली सॉरी. आज मैं कोशिश करती हूँ मैक्सिमम रिप्लाईज कर सकूँ. द लास्ट नोटिफिकेशन शाउट आउट फॉर टुडे गोज टू तन्वी बहल. सो थैंक यू सो मच एवरी वन जिन्होंने मेरे नोटिफिकेशन ऑन किए हुए हैं, जो मेरे वीडियोज़ रोज़ देख रहे हैं फॉर ऑल ऑफ फेब्रुअरी.
एंड एज अ लिटिल थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, कल के वीडियो में एक छोटा सा गिव अवे होगा विच आई होप यू गाइज वुड लाइक. इट्स अ लिटिल थैंक यू फ्रॉम माई साइड टू योर्स, नथिंग बिग, बट एक छोटा सा गिव अवे फ्रॉम मी टू यू. सो कीप ऑन यू नो वेटिंग एंड वॉचिंग टुमारो. मुझे पता नहीं मैं क्या कह रही हूँ यार, मैं थक गई हूँ, मुझे घर जाना है. But thank you so much for watching this video and I'll see you guys tomorrow at 4. Bye!